आज यहाँ पे 6 अक्टूबर को एयरफोर्स डे परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है एयरफोर्स स्टेशन बमरौली प्रयागराज में, और साथ ही साथ शाम को कार्यक्रम होगा संगम पे जहाँ के एरियल डिस्प्ले होगा। ये दोनों कार्यक्रम 8 अक्टूबर को भी आयोजित किए जाएंगे। और आज की जो फुल ड्रेस रिहर्सल है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता रही है जो हमारे स्कूली बच्चों ने यहाँ आके भाग लिया है और उन्होंने देखा है ये शो, और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्होंने वायु सैनिकों का जो मनोबल बढ़ाया है, एयर वॉरियर्स की खुशी देखने लायक थी जब बच्चे ताली बजा रहे थे। जो संगम का कार्यक्रम है इसमें 100 से ज़्यादा हवाई जहाज़ भाग लेंगे। यह शो संगम घाट, अरैल घाट, झूसी की तरफ फलक घाट, शास्त्री बीच, ये सभी जगह से देखा जा सकता है। इसमें विंटेज हवाई जहाज़ जैसे कि हमारा टाइगर मॉथ है, हमारा हार्वर्ड ट्रेनर है, उसके अलावा हमारे पास जो डकोटा हवाई जहाज़ है ये भी वहाँ पे प्रदर्शन में भाग लेंगे। इसके अलावा हमें हमारी आकाशगंगा टीम वहाँ पे अवतरित होगी जो आधुनिक जहाज़ है जैसे Su-30, रफाल और अपने ही देश में बना तेजस हवाई जहाज़, ये सब वहाँ देखने मिलेंगे। IL-78 होगा, C-130 होगा, आप नाम बताएं वो जहाज़ हमें संगम नगरी में देखने को मिलेगा। सभी स्पेक्टेटर्स से मेरा निवेदन है कि ट्रैफिक रूल्स को और ट्रैफिक अरेंजमेंट्स को काइंडली फॉलो करें और अपनी सुरक्षा ठीक से देखें, और जहाँ पे भी हों, क्योंकि शो आसमान की तरफ है तो भगदड़ की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आसमान की तरफ देखिए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और इस पूरे शो का आनंद लीजिए। MiG-21 क्या पहली यहाँ पर लास्ट बार आएगा? हाँ, MiG-21 ये संभावना है कि एयर शोज़ में आगे से भाग नहीं लेगा। हो सकता है विश्व का ये आखिरी MiG-21 का एयर शो में भाग लेना हो सकता है। और इसमें आप MiG-21 को हमारी तरफ से एक बेहतरीन और यादगार विदाई दी जाएगी, और ये बाइसन हवाई जहाज़ को दी जाएगी। तेजस हवाई जहाज़ भी यहाँ पे आपके सामने प्रदर्शन करेगा, और राफेल भी, जी राफेल भी है, Su-30 भी है। तेजस का पहला एयर शो नहीं है, लेकिन जो इंडक्शन जो हुआ है परसों वो जहाज़ भाग लेगा, और इसके साथ आपको एम्ब्रायर जहाज़ भी देखने को मिलेगा। आपको सूर्य किरण जो एरोबेटिक टीम है उनका डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, और सारंग का डिस्प्ले, जो कि सारंग में ये विशेषता है कि वो 4 हवाई जहाज़ का दुनिया का बहुत कम एरोबेटिक टीम में से एक था, हेलीकॉप्टर एरोबेटिक टीम में से, और वो पहली बार 5 एयरक्राफ्ट के साथ में आपके सामने शो करेगा। तो ये विशेषताएँ हैं। सबसे फिर से आग्रह है कि इस शो का आनंद लें और ट्रैफिक रूल्स को और ट्रैफिक अरेंजमेंट्स को ठीक से फॉलो करें। मैं हूं ग्रुप कैप्टन समीर गंगाखेड़कर, रक्षा मंत्रालय प्रवक्ता, प्रयागराज रीजन। जय हिंद। थैंक यू।